अभी अगर आप किसी स्टेशन से किसी फुल्ली एसी ट्रेन को निकलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो राजधानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ सुपर फास्ट टाइप की ट्रेनें भी होती हैं जिनको पूरी एसी के कोचेस दिए जाते हैं। भारतीय रेलवे ने इसीलिए डिसाइड किया कि सारी राजधानियों को तेजस के रेक दे दिए जाएंगे। तो अभी तक तो सारी राजधानियों को नहीं दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे सबको मिल रहे हैं। तो एसी सुपर फास्ट नाम की भी ट्रेनें जो है ना, वो भारतीय रेलवे में चलती हैं। तो इसी में से एक ट्रेन में आज मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ। सो हे गाइस, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ट्रेन जर्नी हम लोग करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12519 लोकमान तिलक मुंबई से चलकर कामाख्या को जाने वाली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2559 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। राजधानी प्रेटेंट गाड़ी है, तभी तो 61 किलोमीटर इसकी एवरेज स्पीड मानी जाती है। टोटल 29 हॉल्ट पर रुकती है, वीक में एक दिन चलती है। रविवार को लोकमान तिलक से सुबह 7:50 पर रवाना होती है और तीसरे दिन सुबह 4:20 पे आप होंगे कामाख्या रेलवे स्टेशन पे। मैं इस ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूँ हाजीपुर जंक्शन से, पीछे आप देख सकते हैं। और इस ट्रेन का टाइम यहाँ पे 11:05 पे है और 5 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 11:10 पे यहाँ से डिपार्चर होगा। तो चलिए चलते हैं न्यूली कंस्ट्रक्शन हाजीपुर जंक्शन पे और आज की जर्नी को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और जर्नी को शुरू करते हैं। जिसके पहले भी मैं आपको हाजीपुर जंक्शन दिखा चुका हूँ, लेकिन देख लीजिए आप, वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, मतलब फूड ट्रैक वगैरह मिल जाएगा। सामने जो जनरल टिकट काउंटर है वहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में, और इधर ये है बाहर का एरिया, पार्किंग एरिया है, और हमारा तिरंगा देखिए लहरा रहा है। इधर पार्सल ऑफिस है, जो भी ट्रेन से पार्सल उतरता है वो इधर रखा जाता है। और सामने का एरिया देख लीजिए आप, अगर आपको पटना जाना है तो सामने बस देख सकते हैं, बस मिल रही है आपको, जो सरकारी बस है वहाँ से आप पटना आराम से जा सकते हैं। ऑटोज़ वगैरह भी इधर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये देखिए कितना बढ़िया थीम बनाया गया है हाजीपुर जंक्शन पे, वैशाली को दर्शाते हुए वैशाली का पूरा थीम लगाया गया। अंदर आइए तो आपको बहुत सारे फूड काउंटर मिल जाएंगे यहाँ पर, और इधर इंक्वायरी सेक्शन है। प्लेटफॉर्म मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको, और हमारी ट्रेन 2 नंबर पे आने वाली है, यानी कि उधर मालगाड़ी लगी है अभी यहाँ। गाइस इधर हम लोग आ चुके हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं, और उधर मेमू ट्रेन आके खड़ी हुई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। गाइस ये है हाजीपुर का फेमस केला, आप अगर यहाँ आते हैं तो ट्राई ज़रूर करें। गाइस बरौनी के Web 7 के साथ चल रही है एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इधर अराइवल हो रहा है बाग एक्सप्रेस। गाइस ट्रेन का जो 3rd AC है देखिए कितना फुल्ली पैक्ड है, देखिए। समय से लगभग 10 मिनट की देरी से डिपार्चर हो रहा है हाजीपुर जंक्शन से, अपने शहर को पीछे छोड़ के और एक नए रास्ते पे।
कोचेस लगाए जाते हैं जिसमें से 10 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी का कोच, साथ में 1 पेंट्री कार और 2 पावर कार लगाए जाते हैं। पूरे फुल्ली एसी कोचेस हैं और यही फ़ायदा है इसका, तभी तो ये 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाती है एवरेज और 130 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। गाइस हम लोग आ गए हैं बरौनी जंक्शन। वैसे तो इस ट्रेन का ऑफिशियली यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, मतलब कमर्शियली हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट बनाया गया है बरौनी जंक्शन को एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का। यहाँ पे ये ट्रेन नहीं रुकती है, लेकिन 10 मिनट के लिए ये ट्रेन यहाँ पे रुकेगी क्योंकि ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड और लोको पायलट चेंज किए जाएंगे। और इसके बाद डायरेक्ट हाजीपुर के बाद इस ट्रेन का डायरेक्ट बेगूसराय स्टॉपेज है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। टोटल पूरे रूट पे 3 जगह इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट दिया गया जिसमें से बरौनी शामिल है। अगर इस ट्रेन में आप चाहते हैं बरौनी से टिकट बुक करना तो आप टिकट नहीं बुक कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल हॉल्ट है। टेक्निकल हॉल्ट वो होता है जहाँ पे ट्रेन के रिगार्डिंग कोई काम किया जाता है, जैसे कि स्टेशन पे पानी भरना या फिर लोको पायलट और गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर को चेंज करना या फिर ट्रेन से रिलेटेड कोई और काम। लेकिन अगर आप चाहेंगे यहाँ से बुकिंग करके लोकमान्य तिलक या फिर कामाख्या इस ट्रेन से जाने के लिए, तो आप नहीं जा पाएंगे, टेक्निकल हॉल्ट है। देखिएगा इस बरौनी जंक्शन पे खड़ी हमारी गाड़ी, सामने लगी हुई है ग्वालियर बरौनी मेल, देख सकते हैं। गाइस अपने निर्धारित समय से लगभग 29 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं बेगूसराय रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BGS और ये रेलवे स्टेशन सोनपुर डिवीज़न में आता है ECR के। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 86 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है बेगूसराय रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे 2 मिनट का हमारी ट्रेन का हॉल्ट दिया गया है। और अगर फेमस चीज़ों की बात कर लो तो बर्ड सेंचुरी आपको मिल जाएगा बेगूसराय में, उसके ऊपर से जो बरौनी जंक्शन है, बरौनी पूरा जो शहर है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इसके साथ ही यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है और सुधा डेयरी जो प्रोजेक्ट है ना, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बरौनी में ही बना हुआ है। तो 2 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद फिर डिपार्चर देख लेते हैं हम लोग बेगूसराय रेलवे स्टेशन से। इस गेट पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं डिपार्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ, देख सकते हैं आप इधर, देखिए पूरा एक भीड़ है, पीछे भी पूरा जो है ना पैक्ड है उधर भी, और इस साइड भी जो है पूरा पैक्ड है, इसलिए मैं डिपार्चर नहीं दिखा पाया। निर्धारित समय से लगभग 22 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KGG और इस रेलवे स्टेशन पे 111 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 2 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 2 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं खगड़िया रेलवे स्टेशन से। 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है हमारी ट्रेन का, और अगर बरौनी नहीं रुकती ना हमारी ट्रेन वो टेक्निकल हॉल्ट के लिए, तो हमारी ट्रेन अभी राइट टाइम चल रही होती क्योंकि वहीं पे ज़्यादा टाइम टेकन हो गया था आउटर पे रोक के और बरौनी इन कराने में। साथ में अगर खगड़िया में बात करूँ तो गंगा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी जैसी 7 नदियाँ जो हैं वो खगड़िया से होकर गुजरती हैं। खगड़िया पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन खगड़िया अभी एक खुद डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो ये थी खगड़िया रेलवे स्टेशन की जानकारी। 2 मिनट के बाद डिपार्चर हम लोग देखेंगे खगड़िया जंक्शन से। तो मैं पहले कर्टेंस भी बंद हो गए थे, लेकिन अब देखिए अब कर्टेंस मिलना शुरू हो गए हैं। कर्टेंस जो है खिड़कियों पे 3rd एसी में आपको देखने को मिल जाएंगे, और 2nd एसी में मैंने देखा कि पर्दे भी लगे हुए थे, तो उसकी भी जर्नी कभी आपको दिखाई जाएगी जब पर्दे भी सारे लगे हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है।
गाइस बैग देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। ट्रेन का डेस्टिनेशन नहीं है, ट्रेन कामाख्या तक जाएगी, पर ये मेरा डेस्टिनेशन। समय से लगभग 5 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं नौगछिया रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है NNA और ये रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 68 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। कोई भी ट्रेन का ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन नहीं होता है। और यहाँ की फेमस ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। तो गाइज हमारी जो जर्नी थी यहीं तक थी, यानी कि मेरी जो जर्नी थी यहीं तक थी और वीडियो यहीं पे एंड होने वाला है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नई जर्नी में, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। चलिए फिर मैं मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत। और एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ से फिर एक और नई ट्रेन जर्नी शुरू होने वाली है। बाय बाय कामाख्या AC सुपरफास्ट, फिर मिलेंगे।